सभी जानते हैं कि हाँ अंकित और रितिक संबंधित थे। अक्षय और विशाल जो अंकित के बहुत अच्छे दोस्त थे, विशाल की तबीयत खराब हुई इसीलिए तीनों वहां पर गए थे। निधि का फोन आया उसके बाद ही अंकित, विशाल और अक्षय निधि से मिलने के लिए गए। अगर ये साबित करना है तो आप उन दोनों की कॉल डिटेल्स निकाल के बिल्कुल साबित कर सकते हैं कि निधि ने ही अंकित को फोन करके घर पे बुलाया गया। यही वो तमाम सवाल है जिसके बाद परिजन मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अपनी बात को पुलिस के सामने रखने के लिए परिजन ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और तमाम पहलुओं को उनके सामने रखा। परिजन ये भी मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके बच्चे कुछ ऐसा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि निर्दोषों को बाहर सजा नहीं मिले, जिससे हमारे बच्चे निर्दोष साबित, उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अंकित मिलने के लिए गए और अक्षय और विशाल नीचे, दोनों नीचे खड़े थे। आप क्या चाहते हैं? मैं सीबीआई साहब से मांग चाहती हूँ, सीबीआई मांग चाहती हूँ और बच्चों को न्याय दिलाना चाहती हूँ। आरोपी छात्रों के परिजन का ये भी कहना है कि निधि के परिजन केवल आर्थिक रूप से ही सक्षम नहीं है बल्कि उनकी राजनीतिक पैठ भी अच्छी खासी है। परिजन ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरी बयान में निधि ने कहा था कि उस पर दबाव था, दबाव किसकी तरफ से, ये जांच का विषय है। पुलिस इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि उनके पास कुछ ऐसे एविडेंसेज है जिससे ये सिद्ध होता है कि ये तीनों बच्चे निर्दोष हैं। चूँकि ये अभी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में उनको इंश्योर कर दिया गया, उनके पास जो भी एविडेंस है वो भी पुलिस को उपलब्ध कराए। जो मृतिका थी उसके साथ अंकित राठौर की फ्रेंडशिप थी, उस संदर्भ में उनके द्वारा कुछ फोटोग्राफ्स भी दिए गए हैं। तो चूँकि इनके द्वारा जो जो बातें बताई गई है उनको और बारीकी से इनका इन्वेस्टिगेशन लिया जाकर उसमें निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाकर वेतन काली सूची। पुलिस के सामने दबाव इस बात का है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और आरोपियों को जल्द सजा हो, मगर परिजन के बयानों ने इस पूरे मामले में कई नए पहलू सामने ला खड़े किए हैं जिसकी जांच की जाना जरूरी लग रहा है। परिषेक बंसल न्यूज़ खरगोन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।